मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट का देश के सियासी इतिहास में एक अलग ही वर्चस्व रहा है। इस सीट ने देश को अधिकांश बड़े नेता दिए, फिर चाहे फिर वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों या देश की राजनीति में अलग छाप छोड़ने वाली स्वर्गीय राजमाता सिंधिया। ग्वालियर सीट का जो इतिहास है वो राजघराना सिंधिया परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन अब सिंधिया परिवार से ग्वालियर लोकसभा छिटक रही है। देखिए खास रिपोर्ट। इस शहर का नाम सुनते ही जो सबसे पहली तस्वीर जहन में उभरती है वो है सिंधिया राजघराने की। लेकिन अब सिंधिया के प्रभाव वाली ये सीट सिंधिया परिवार से दूर जाती जा रही है। साल 2009 के बाद इस सीट से सिंधिया परिवार से कोई मैदान में नहीं उतरा। 24 के संग्राम में ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ से लड़े जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वो भी गुना चले गए हैं। जबकि इससे पहले आजादी के बाद से अब तक हुए 19 चुनाव में 8 बार तो सिंधिया उपनाम विजय राजे, माधवराव और यशोधरा राजे ही उम्मीदवार रहे। उपचुनाव समेत अब तक 19 आम चुनाव, 9 बार बीजेपी और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जीती, 8 बार कांग्रेस ने फहराया जीत का परचम, 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार की जीत, 19 चुनाव में 8 बार सिंधिया राजघराने से उम्मीदवार। विजया राजे, माधवराव और यशोधरा राजे सिंधिया बनी सांसद। 2009 से ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़े सिंधिया परिवार के सदस्य। 1957 में विजया राजे सिंधिया के सांसद बनने के बाद से ग्वालियर की सियासत में सिंधिया परिवार का दखल साफ नजर आता है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, एक समय तो कहा जाने लगा था कि महल से जो नाम जारी हो जाए उसकी जीत तय मानी है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी बयानबाजी भी हो रही है। महल कहना मैं तो ठीक नहीं मानता। राजमाता जी हमारे साथ आई और एक विचार के लिए उन्होंने भाजपा के साथ लड़ाई लड़ी। अगर वो चाहती तो पद हासिल कर सकती थी, पर चूंकि विचार से वो आई थी इसलिए जीवन पर्यंत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मेरा मानना उसी का परिणाम है कि जिन लोगों ने भाजपा को बढ़ाया है देश के अंदर, उनमें से अगर कुछ प्रमुख लोगों के नाम लिए जाएं तो श्रद्धेय राजमाता जी का नाम हम लोग गर्व से लेंगे। ग्वालियर की जो स्थिति है, धीरे धीरे सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के जब भाजपा में गए तो जरूरत थी जब सिंधिया जी की मान मनोबल खो की गई, लेकिन जैसे ही समय बदला और परिस्थिति बदली, सिंधिया जी चाहते थे ग्वालियर से उनको टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन का हवाला देते हुए, कार्यकर्ताओं का, मूल कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए उनको यहाँ से विदा करके गुना भेज दिया। क्योंकि ग्वालियर संभाग प्लेस है और ग्वालियर का जो सांसद है उसका एक अलग महत्व होता है, तो संभाग की सीट है, सबसे बड़ी सीट है, हॉट सीट है, इसलिए उनको यहाँ से छटक के दूर किया गया है कि जिससे वो ग्वालियर में हस्तक्षेप नहीं करें, ग्वालियर में राजनीति नहीं करें। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि सिंधिया परिवार ने एक लंबा समय ग्वालियर की जनता के साथ गुजारा है, उनका तालमेल भी काफी अच्छा रहा है, लेकिन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के कम अंतर से जीतने के बाद मोह भंग हो गया, क्योंकि अब लोगों की सोच और विचारधारा बदल चुकी है। पीढ़ियां बीतने के साथ साथ अब परिवार के प्रति लगाव के साथ दूसरे मुद्दे भी चुनाव में हावी रहते हैं। यही वजह है कि ग्वालियर लोकसभा में सिंधिया घराने का दखल कम होता जा रहा है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।